पता नहीं इस घर को किसकी नजर लग गई है। पहले सूरज छोड़कर चला गया, बेचारे केसर की इतनी बुरी हालत है। इन्हें कैसे पता चला कि जेल में क्या हालत हो गई है केसर की? हालत कैसी? हालत हुआ क्या केसर को? नहीं, जेल में है ना बेचारी वो। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि केसर सूरज की जान भी ले सकती है। पर केसर ने खुद कबूल किया है तो? मैंने मना किया है ना। कि इस घर में उस मनहूस का नाम कोई नहीं लेगा जिसे उस लड़की से जरा भी हमदर्दी हो, वो तुरंत ये घर छोड़कर जा सकता है। वही तो भाभी, मैं भी कबीर को यही समझा रही थी कि ना ही केसर के लिए वकील ढूंढने की जरूरत है और ना ही जेल जाकर उसकी खैर खबर पूछने की। बस तुम अपना गरम दिमाग उसे ठिकाने लगाने में लगाओ। ये हेतल काकी अजीब सा बर्ताव करने लगी है आजकल। इन्हें कैसे पता कि केसर की जेल में हालत बहुत खराब है? या हम केसर से मिलने गए थे? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। नमस्कार दोस्तों, हम खड़े हैं सूरत जेल के सामने। हमें खबर मिली है अभी किसी भी समय बाहर आने वाली है राजगौर खानदान की बहू, जिन पर अपने पति सूरत राजगौर का मर्डर का इल्जाम है। इससे भी बड़ी खबर ये है कि उन्हें पागलखाने शिफ्ट किया जा रहा है। हमें जिन सूत्रों से पता चला है वो कैमरे के सामने कन्फर्म नहीं करना चाहते। वो देखिए, मिसेस गौर बाहर आ रही है, उनसे इस बारे में पूछते हैं। मिसेस राजगौर, आपको कहाँ ले जाया जा रहा है? क्या ये सच है कि आपने अपने पति का मर्डर किया है? क्या आपको आपके पति से खतरा था या फिर बिजनेस को लेके आप दोनों में कुछ हड़बंद थी? मैम प्लीज, मैम बताइए। मैम प्लीज बोलिए, क्या ये सच है आपने अपने पति का मर्डर किया है? मैम प्लीज, पीछे जाने दीजिए। गुनेगार हूँ आपकी सूरज, मैंने मार दिया उनको, मैंने मार दिया सूरज आपको। आप मुझे जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। सॉरी सूरज, मैं आपकी गुनेगार हूँ सूरज। आप मैंने मार दिया सूरज आपको, मैंने अपने हाथों से आपको मार दिया, मेरे बादशाह को धोखा दे दिया, मैंने मार दिया। आप मुझे सजा दो सूरज, आप मुझे सजा दो। सॉरी सूरज, इन्हीं हाथों से मैंने मार दिया सूरज को। I'm sorry सूरज, मैंने मार दिया आपको। सूरज, अरे ये गाड़ी क्यों रोकी? आपको जो सजा देनी आप दे दीजिए, मुझे ऐसे डराइए मत सूरज। यहाँ बैरिकेड क्यों लगाए? चलो हटा देते हैं। सूरज, चल पीछे, शट अप। सूरज से डराइए मत, सूरज। चल पीछे। टिक टॉक, टिक टॉक। अब जल्दी ही होगी तो पागलखाने में लॉक। वैसे बिल्कुल सही जगह गई है तो केसर, बहुत अच्छी खातिरदारी करवाऊंगी तेरी वहां।
सूरज प्लीज डराइए मत सूरज, नहीं प्लीज ऐसे डराइए मत सूरज, प्लीज सूरज प्लीज 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 मुझे प्लीज प्लीज मत डराओ प्लीज। पहुंच गई तुम्हारी मेहमान। क्या केसर को किडनैप कर लिया? किसने? ये जरूर उस कबीर का काम है। पागल खाने में केसर का राम नाम सत्य करने का इतना अच्छा प्लान बनवाया था, सब चौपट कर दिया। क्या चौपट हो गया हेतल? चाय भाभी एकदम चौपट चाय बनी है आज, स्वाद ही नहीं है। सूरज के शांति पाठ के लिए तैयार हो जाओ। जी तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं कबीर। अगर कबीर को पता चल गया कि केसर जिस वजह से पागल हो गई है वो दवाई मैंने केसर को दिलवाई थी तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। राजा भाई को बोलकर गुंडे भेजवाती हूँ, चुपचाप कबीर केसर दोनों का काम तमाम हो जाए, यही ठीक रहेगा। कहाँ जा रही है? अभी शांति पाठ शुरू होगा, बैठ मेरे पास हेतल। बिकाओ, हमें कबीर का इंतजार करना चाहिए था, उसके बिना ये शांति पाठ। बापूजी, मेरे बेटे की आखिरी रस्में किसी का इंतजार नहीं करेंगी। जिसे शामिल होना हो वो हो, जिसे ना होना हो ना हो। कबीर घर पर नहीं है, मैंने उसको फोन किया था लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। फोन तो बंद आएगा ही ना, केसर को लेकर पुरज हो गया बापूजी का लाडला। क्या हो गया रे? अरे सूरज निकला, अरे रे क्या हो गया? अरे दादा, अरे डस गई वो केसर, ये पूरे खानदान को डस गई रे। अरे अंबिका बहन, अरे ये क्या हो गया? कौन सा जुलम हो गया आपके साथ? वो अनार केसर को अपने पाला पोसा और वो काकी आपके बेटे की जान ले ली। अरे अम्मे माँ आपको ये पहाड़ जैसा दुख सहने की शक्ति दे। अम्मे का मैं बस शकुंतला जी, मैं आपको ये हक नहीं देती कि आप मेरे घर के मातम का मजाक बनाएं। मातम? अंबिका बहन, मजाक और हम? अरे नहीं नहीं, हम तो आपके साथ दुख बांटने आए। बहुत बांट लिया आपने दुख, अब चलिए चलिए। अरे मैं आपकी सहानुभूति की कोई जरूरत नहीं है, आप प्लीज। अंबिका बहन, हम आपके दर्द को अपना दर्द मानकर यहां आए थे, क्योंकि जिसे सच्चा दर्द होता है ना, वो सहानुभूति नहीं साथ देने आता है, और वही साथ देने आए थे हम यहां। कहे से कि आपके पति ने आपको झूठ बोलकर धोखा दिया और हमारे पति ने सच छुपाकर। आपको अपने बेटे के खोने का दुख है ना, तो हमको भी अपने जिंदा बेटे से अलग होने का दुख है। अरे सुना था हमने कि बड़े घर के लोगों का दुख भी बड़ा होता है, उनके पास फुर्सत नहीं होती है गरीबों का दुख समझने के लिए। आज देख भी लिए,
लेकिन हम भी कहां आपको इस सहानुभूति और साथ देने की बात समझा रहे हैं, और जाते जाते आपको सावधान कर रहे हैं। देखिएगा टीवी पर आपके बड़े घर के बड़े दुखों की चर्चा हो रही है। सूरज राजगौर की हत्या की आरोपी उनकी पत्नी केसर राजगौर को आज मेंटल हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, तभी कुछ नकाबपोशों ने बंदूक की नोक पर उनका अपहरण कर लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस बहुत सरगर्मी से उनकी तलाश कर रही है, पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी गई है, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला है। अब इसके पीछे कौन होगा? खुद फरार हुई होगी, या तो किसी ने पैसे के लालच में गायब कर दिया। ये क्या हो गया लीला? किसने अगवा किया होगा केसर को? हमारे सूरत में ऐसा कौन कर सकता है? कि ना ही केसर के लिए वकील ढूंढने की जरूरत है और ना ही जेल जाकर उसकी खैर खबर पूछने की। सूत्रों के अनुसार इस वारदात में 3 नकाबपोश शामिल थे। कबीर ने किया है ये, और बाकी 2 नकाबपोश उसके दोस्त जिग्नी और मच्छन हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं अंबिका भाभी। अरे कबीर के अलावा ये काम कर कौन सकता है? मैं तो पहले से कहती आ रही थी कि ये कबीर कोई ना कोई कांड जरूर करेगा। अरे इन बाहर वालों ने हमारे घर को बर्बाद कर दिया है। कबीर बाहर वाला नहीं है हेतल, वो बाहर वाली सिर्फ वो लड़की है। उसकी वजह से मैं अपना दूसरा पोता खोना नहीं चाहती। अंबिका वो तुझे जो ठीक लगे वो कर, पर हमारे कबीर को उस लड़की से बचा ले। तुम कैसे? कैसे? आराम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं हूँ कहाँ? मैं आप पहुंचे कैसे? मैं तो जेल में थी ना। तुम परेशान मत हो केसर, सबसे अच्छी बात तो ये कि तुम हमें पहचान रही हो। मतलब किसी दवाई का असर तुम्हारे ऊपर गलत हो गया था। तुम पता है बहकी बहकी बातें कर रही थी, कुछ भी बोल रही थी, तुम पता नहीं क्या क्या कर रही थी, पर भगवान का शुक्र है कि दवाई का असर अब उतर रहा है। तुम क्या कह रहे हो कबीर? कैसी बातें कर रही थी मैं? पर तुम मुझे लेकर कहाँ आए हो? मैं जेल में थी ना। केसर वो हम तुम्हें जेल से यहाँ भगा कर ले आए। क्या? क्यों कबीर? क्यों भगाया मुझे? मैंने तुमसे मना किया था ना कि मुझसे मिलने भी मत आना जेल में, तो फिर तुमने क्यों ऐसा किया? मुझे अपने पापा का प्रायश्चित करना था ना, तुम क्यों मुझे लेकर आए यहाँ पर? केसर वो लोग तुम्हें जान से मार देते। जो कुछ भी हो उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी केसर। नहीं, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? जो सच केवल मुझे और सूरज को पता है, जब तुम वहां थे ही नहीं तो तुम ये बात इतने भरोसे से कैसे कह सकते हो? और अगर वो लोग मुझे मारना चाहते थे तो मारने देते थे ना? तुम्हें किसने कहा था मुझे बचाने के लिए? केसर, 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 केसर।
इसकी तलाशी लेनी होगी। केसर राजगौर के मामले में हमें कोई लापरवाही नहीं करनी है। एसीपी साहब का स्पेशल ऑर्डर है। खोलो दरवाजा। कोई है? दरवाजा तोड़ दो। ओके सर। कौन है अंदर? दरवाजा खोलो नहीं तो तोड़ देंगे इसे। खोल खोल, तोड़ देंगे इसे। खोल खोल दरवाजा, तोड़ देंगे इसे। जय हिंद सर। जी सर। ओके सर। क्या हुआ सर? जिस गाड़ी से लड़की को उठाया गया था उससे मिलती जुलती गाड़ी नए पुल के पास मिली है। हमें चलना होगा। मतलब मच्छर और जिगनी ने प्लान के अकॉर्डिंग गाड़ी को ब्रिज के ऊपर छोड़ दिया। अब पुलिस से वो बच जाएंगे। जय अम्बेमा, जय भोलेनाथ। आपका लाख लाख शुक्र है। मशहूर कारोबारी घराने की बहू और अपने पति के कत्ल की आरोपी केसर राजगौर की अपहरण की खबर से सूरत के शांत माहौल में आया भूचाल। सुरक्षा व्यवस्था की खुली पोल, दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने पुलिस के उड़ाए होश। घंटों बीत जाने के बाद भी अपराधियों का पता लगाने में पुलिस हुई नाकाम। पूरा शहर बस एक ही सवाल पूछ रहा है, आखिर किसने किया है केसर राजगौर को अगवा? आप तो जानते हैं ना बापूजी, किसने अगवा किया है उसे। मेरा एक गलत फैसला और आपकी एक जिद ने हमारे घर को कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया बापूजी। आपका एक पोता आपके दूसरे पोते के कातिल को बचा रहा है। ना ना अंबिका, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पूरा यकीन है, बात कुछ और ही है। अंबिका मैम, इंस्पेक्टर साहब, ये क्या सुरक्षा है आपकी? दिन दहाड़े मेरे बेटे के कातिल को कुछ लोग अगवा करके ले गए और आप कुछ नहीं कर पाए? ऐसे संभालते आप इस शहर को? आई एम सॉरी अंबिका जी, एक्चुअली केसर को मेंटल हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा था। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। पर यह सच है कि सुरक्षा के मामले में हमारे डिपार्टमेंट से चूक तो हुई। यही तो सवाल है कि इतनी बड़ी चूक हो कैसे गई? एक खूनी शहर में आजाद घूमेगी, वो भी पागल खूनी, ये तो हम सबके लिए भी खतरा है ना। इस बात का एहसास है हमें मैम, हमारी पूरी पुलिस फोर्स उस किडनैपर को ढूंढ रही है। आई प्रॉमिस वो सारे बहुत जल्द ही गिरफ्तार होंगे। अंबिका जी, हमें शक है कि इस किडनैपिंग में कबीर का भी हाथ हो सकता है। तो आई रिक्वेस्ट, अगर आपको कबीर के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन पता है तो प्लीज शेयर इट। कबीर आप लोगों के साथ में ही रहता है ना? हाँ, वो मेरा पो उनका हेल्पर है, बापूजी की हेल्प करता है उनके कामों में। हमें कुछ नहीं पता, आप प्लीज अपनी छानबीन जारी रखिए और जल्द से जल्द उस गुनेगार को पकड़ लीजिए। अगर कबीर के बारे में कोई भी मूवमेंट का पता चलता है तो प्लीज कॉल कीजिए। थैंक यू। पता नहीं कबीर आखिर चाहता क्या है। कबीर का फोन। हाँ कबीर, कैसे हो तुम दोनों? हम दोनों ठीक है। और जैसा कि हमने प्लान किया था, गाड़ी को पुल के पास छोड़ दिया है और स्टेशन से अहमदाबाद की टिकट भी खरीद ली है, जिससे पुलिस को ये लगे कि हम दोनों अहमदाबाद गए। हाँ बहुत बढ़िया, सही किया। पर भाई, घर वाले और पुलिस वाले तुझ पे ही शक कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ तू ही है जो अभी घर से गायब है। अब ओखली में सर दे ही दिया तो मूसल से क्या डरना। अच्छा सुनो, तुम दोनों ना वकील के साथ बिल्कुल टच में रहना। जैसे ही वो बोले कि उसने कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लिया, हमें तुरंत बताना, हम केसर को सबके सामने लेकर खुद आ जाएंगे। हाँ ठीक है। कबीर, हम रखते हैं, हम बाद में बात करेंगे। केसर, भगवान का लाख लाख शुक्र है, तुम्हें होश आ गया केसर। पर कबीर, मैंने तुमसे साफ कहा था कि मासू की मर्जी के खिलाफ तुम कुछ भी मत करना, तो फिर तुमने मुझे क्यों भगाया? केसर, कबीर, अब तुम भी अपराधी बन गए हो।
मैं अपनी वजह से तुम पर भी आज नहीं आने दूंगी। मैं अभी जाकर खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगी। केसर नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। जब तुमने कोई गुनाह किया ही नहीं है तो तुम उसकी सजा क्यों काटोगी? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो कबीर, तुम पर हीरो बनने का भूत सवार है क्या? किसी ने तुम्हें ठेका दिया मुझे बचाने का? हाँ दिया है। तुम्हें बचाने का ठेका हमें अंबे माँ ने खुद दिया है, और आज नहीं दिया, उस दिन से दिया है जिस दिन तुम हमसे पहली बार मिली थी मालगाड़ी में। क्या? हाँ केसर, तुम्हें अपने बचपन की आधी सच्चाई पता है। तुम हमसे हमेशा बोलती थी ना कि कबीर मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे पहली बार पुलिस स्टेशन के बाहर कौन छोड़ कर गया था। हम छोड़ कर गए थे तुम्हें पुलिस स्टेशन के बाहर। हम छोड़ कर गए थे कैसे? जिसकी जान को बचपन से बचाते हैं हम, उसको अपनी जान कुर्बान करने कैसे देते हैं हम किसी?